नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखोगे कि बाइक में क्लच की आवश्यकता क्यों होती है, बाइक का क्लच कैसे काम करता है और रॉयल एनफील्ड के फर्स्ट गियर में गियर की जोर से आवाज क्यों आती है। क्लच उन उपकरणों में उपयोगी है जिसमें रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं। क्लच इन दोनों शाफ्ट को जोड़ता है ताकि उन्हें या तो एक साथ लॉक किया जा सके और एक ही गति से स्पिन किया जा सके या अलग अलग गति से स्पिन किया जा सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइक में क्लच की जरूरत क्यों होती है। अब आप ये जानते ही होंगे कि कौन से भी सिचुएशन में इंजन हमेशा घूमता रहता है और अगर इंजन बंद हो जाए तो बाइक रुक जाएगी और आपको बार बार बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्लच का उपयोग किया जाता है। क्लच की वजह से ही बाइक को एक जगह पे रोका जा सकता है और फिर भी आपका इंजन घूमता रहेगा। क्लच का एक और भी यूज है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लच हमेशा गियर बॉक्स और इंजन के बीच में कनेक्ट किया होता है। इसे कहते हैं मेन गियर, जो इंजन के फ्लाई व्हील से कनेक्टेड रहता है। इसे कहते हैं क्लच हाउसिंग, जिसके अंदर कई तरह के क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स मौजूद होते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। क्लच हाउसिंग से कनेक्टेड रहता है गियर बॉक्स, जो इंजन के स्पीड को नियंत्रित करता है। गियर बॉक्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम चेन को हटा देते हैं। चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही इंजन चलने लगता है और फ्लाई व्हील घूमता है। इंजन के वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना है तो उस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही इंजन घूमता है तो वो मेन गियर को घुमाते हुए क्लच हाउसिंग को घुमाता है। क्लच के घूमते ही गियर बॉक्स घूमने लगता है और बाइक आगे जाती है। अब क्लच की ऐसी स्थिति में क्लच इंजन और गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है, जिसको क्लच एंगेजमेंट कहते हैं। इस स्थिति में क्लच पेडल फ्री होता है और बाइक चलने लगती है। अब चलिए क्लच पेडल को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि कैसा सीन होता है। पेडल के प्रेस होते ही क्लच डिसएंगेज हो जाता है और गियर्स का घूमना रुक जाता है। लेकिन अब आपने इधर नोटिस किया होगा कि क्लच तो घूम रहा है, फिर गियर बॉक्स क्यों नहीं घूम रहा। इसका जवाब जानने के लिए चलिए हम जानते हैं कि क्लच के अंदर कैसे काम चलता है। इन्हें कहते हैं क्लच पैक। क्लच पैक में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का सैंडविच बना रहता है, जो बहुत जरूरी है क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। क्लच प्लेट फ्रिक्शन तैयार करने के लिए डिजाइन किया होता है और इनकी लाइफ 80,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक रहती है। इसके बाद इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। ये है मेन प्रेशर प्लेट, जो क्लच पैक के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। क्लच बास्केट इंजन के मेन गियर से जुड़ा रहता है और साथ ही क्लच बास्केट गियर बॉक्स से जुड़ा नहीं रहता। इसलिए जब क्लच बास्केट अकेले घूमता है तब गियर बॉक्स नहीं घूमता। तो गियर बॉक्स कब घूमता है? गियर बॉक्स को घुमाता है इनर हब। इनर हब हमेशा गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, क्लच बास्केट इंजन के मेन गियर से जुड़ा होता है और इनर हब गियर बॉक्स से, और ये दोनों उपकरण यानी क्लच बास्केट और इनर हब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते और इन्हें साथ में जोड़ने का काम करता है क्लच पैक। चलिए हम डिटेल में इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अब क्योंकि क्लच बास्केट और इनर हब साथ में कनेक्टेड नहीं होते, बाइक को चलाने के लिए इन दोनों का कनेक्ट होना जरूरी है। चलिए हम एक कनेक्टर इन दोनों के बीच में डालते हैं। ये कनेक्टर क्लच बास्केट और इनर हब को आपस में जोड़ देता है और दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जब क्लच बास्केट अकेले घूमता है तब इनर हब भी टायर्स की इनर्शिया की वजह से घूमने लगता है। मतलब जब क्लच एंगेज होता है तब क्लच बास्केट इनर हब से डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर क्योंकि पिछला टायर घूमता रहता है वो इनर हब को भी घुमाता है, जिसके चलते इन दोनों की घूमने की गति एक जैसी नहीं होती है और बाइक चलते समय कनेक्टर को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ उपयोग किया जाता है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का। क्लच प्लेट जुड़ा रहता है क्लच बास्केट से और उससे लॉक होके घूमता रहता है। प्रेशर प्लेट जुड़ा रहता है मेन हब से। मेन हब पे सुरंगें बनी रहती हैं, जो प्रेशर प्लेट की सुरंगों से जुड़ के लॉक हो जाती हैं, और यही मेन हब प्रेशर प्लेट के साथ इनर हब से जुड़ा रहता है। अब चलिए हम देखते हैं कि अंदर क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों की गति अलग अलग होने के कारण क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी अलग अलग गति से घूमती है। क्लच प्लेट ऐसे धातु से बना होता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन मिल सके। जब हम क्लच पेडल को रिलीज करते हैं तब प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ता है, जो बनता है हब पे लगे स्प्रिंग्स से, और दोनों प्लेट्स
फ्रिक्शन की वजह से जुड़ जाती है और क्लच बास्केट और इनर हब को एक ही गति पे घुमाती है। बाइक चलाते समय आप ये महसूस कर सकते हैं। चले अब हम एक बार क्लच एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।